हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगीता 03 ब्लॉग्स में। गाइस आज हम इस तरह की इंडोनी बनाने वाले हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक न्यूज़पेपर लिया है, उसको रिपल की हेल्प से इस तरह से रोल कर लेना है। इसके बाद में इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका देना है। तो यहाँ पर हमने फेविकॉल लगा लिया है और इसको चिपका दिया है। इस तरह से हमने और भी रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन रोल से सर्कल बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम सर्कल बनाएंगे और अब इसको अच्छे से फेविकॉल से चिपका देंगे। तो इस तरह से हमने सर्कल बना करके तैयार कर लिए हैं। हमने दो तरह के सर्कल बनाए हैं और अब हमने नीले कलर की ऊन ली है। इस ऊन को इस सर्कल के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए जाना है, अच्छे से लपेटना है ताकि पूरा कवर हो जाए और दिखना नहीं चाहिए ये न्यूज़पेपर। इस तरह से लपेटते हुए जाएंगे। अब लपेटने के बाद में हम यहाँ इस ऊन को यहाँ से कस करके बांध देंगे। अच्छे से बांध देना है, फटना ही नहीं चाहिए यहाँ से, और इस तरह से एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। हमने इन दोनों को बना करके तैयार कर लिया है। अब हमने ये और मटेरियल लिया है जिनसे हम इस एंडी की लटकन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सुई और ऊन ली है, इसको इस तरह से डाला है, इस तरह से डाल लेना है। इसके बाद में हमने दो तरह के मोती लिए हैं जिसमें छोटे और बड़े दो प्रकार के मोती है। तो सबसे पहले हमने छोटे वाले मोती लिए हैं, उनको इस तरह से डाल लिया है। इस तरह से दो लाइनों में मोती डाल लिए हमने। अब इसी तरह से यहाँ पर भी डालेंगे। गाइज हमने ये एंडी बनाने का वीडियो भी डाल रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो इसे भी बनाना सीख सकते हैं आप। इस तरह से हमने अब बड़े वाले मोती लिए हैं, उनको डाला है। ये हमने छोटे वाले मोतियों को डाला है, उसके बाद में हमने पम पम को डाला है। इस तरह से बनाते हुए चले जाना है। पहले मोती को डालना है बड़े वाले को, फिर पम पम को डालना है। तो ये हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर लटकन बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले बड़ा फिर छोटा इस तरह से मोती डाला है, फिर पम पम को डाला है, फिर हमने ये छोटा बड़ा वाला मोती डाला है। उसके बाद में हमने जो अभी सर्कल बनाए थे उनको डालना है। तो इस तरह से सुई में अच्छे से डाल लेना है और इनको सही अच्छे से यहाँ से सर्कल बना लेना है। इसके बाद में बड़े फिर छोटे इस तरह से मोती डालने, फिर पम पम को डाल लेना है, फिर बड़ा फिर छोटा इस तरह से मोती, फिर पम पम, इस तरह से बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने तीन पम पम को डाल लिया है और उसके बाद में हमने ये नीचे लटकन के लिए घंटी लगा दी है और उसमें इस तरह से पम पम को डाल लिया है। और यहाँ पर हम इस तरह से बांध देंगे, अच्छे से कसकर बांध देना है, फिर एक्स्ट्रा को कट कर देना है। ये हमारी लटकन बन गई है। इसी तरह से हमें और को भी बनाकर तैयार करना है। जिस तरह से हमने अभी ये लटकन बनाई थी उसी तरह से इसको भी बनाना है।
इस तरह से इसको भी बनाते हुए जाना है। और हमने अभी जो लटकन बनाई थी उसमें हमने 3 पॉम पॉम को लगाया था, तो अब हम 2 पॉम पॉम को लगाएंगे। इस तरह से हमने 2 पॉम पॉम को लगा लिया है इसमें, और फिर इस तरह से हमने नीचे की तरफ इसमें घंटी लगा दी है और उसमें पॉम पॉम को लगा दिया है। तो इस तरह से हमारी लटकन बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमने सभी को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में हमने ये कांच लिए है, तो कांच को हमें यहाँ पर इस तरह से चिपकाना है, तो फेविकॉल की हेल्प से चिपकाना है। हम सभी में इस तरह से फेविकॉल लगा लेंगे, अच्छे से लगा लेना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से कांच को चिपका देना है, यहाँ पर अच्छे से दबाकर चिपकाना है ताकि हटे नहीं। अब हम दूसरी तरफ भी कांच को चिपकाएंगे, तो उसके लिए इस तरह प्लेट लेना है और यहाँ पर भी फेविकॉल को अच्छे से लगा लेना है और कांच को चिपका देना है। इस तरह अच्छे से चिपका देना है। अब हम ऊपर की तरफ इसको भी बना करके अच्छे से तैयार करेंगे मोतियों की हेल्प से। यहाँ पर हम मोती लगाएंगे, छोटे वाले मोती लेंगे, उनको इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है। इस तरह से इन मोतियों को लगा लेना है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर बिल्कुल भी कवर कर देना है ताकि हमारी जो हमने उन एक्स्ट्रा कट की थी एंडी में वो दिखे नहीं, कवर हो जाए। इसलिए यहाँ से हमें अच्छे से कवर कर दिया है। इस तरह से हमारी एंडी बन करके तैयार हो चुकी है।